स्टार्ट हो गया है। तो आपने मेरे बर्थडे स्पेशली क्या किया? कुछ नहीं, आपने तो मुझे विश भी नहीं किया। 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्यार कौन करेगा? ये भी देखा ना होता। मेरे बेटा मेरे पैर छुका जो खुश रहते हो, उसे मेरे साथ रहेगा ना ऐसे ही। हाँ लेकिन डटा तो ज़्यादा हो। मम्मी को प्यार करेगा? हाँ कर जरूर करूँगा लेकिन डटाओ कम। और मम्मी के लिए क्या बनाएगा कल? क्या बनाऊंगा सोचता हूँ। वैसे इधर नहीं बनेंगे हम, कहीं और बनेंगे। मेरे लिए कुछ नहीं बनाएगा, कार्ड वार्ड कुछ? हाँ वो भी तो बना सकता हूँ मैं, अपनी कारीगरी दिखाऊंगा। अच्छा कहने कहने से हम देखते हैं इसकी कारीगरी दिखाएंगे फ्रेंड्स, अगर ये कुछ करेंगे तो हमारे लिए। देखिए फ्रेंड्स, रात के ना 12 बजे हैं। मैं सबसे पहले ना अपने मंदिर में आई थी, वो जली रह गई थी तो वो भी बंद कर रही हूँ मैं, और मंदिर का पर्दा भी लगा देती हूँ और माता रानी से ले लेती हूँ आशीर्वाद, कि माता रानी का आशीर्वाद रहे, सभी भगवान जी का आशीर्वाद रहे। बस उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और किसी का हो ना हो भगवान जी का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए। तो मेरे जन्मदिन पर तो मैंने ले लिया आशीर्वाद, और अब लाइट बंद कर देती हूँ। और देखना मेरे बर्थडे पे मेरे कान्हा भी बैठे हैं अभी तक। कान्हा आप भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? बस कान्हा जी को देख लिया, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनका प्यारा सा, बस मुझे और क्या चाहिए। मेरे कान्हा मेरे साथ हैं, मुझे बस मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस कन्हैया का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का साथ तो छूट जाता है, पर जिनका साथ नहीं छूटता वो है ये मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो फ्रेंड चलिए राधे राधे, देखते हैं कल क्या होगा, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं सुबह फिर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मंदिर से, नहीं अपने बर्थडे पे हम पहुँचे हैं सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने मंदिर। ये जय माता दी, वाह कितनी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स मैं अपने जन्मदिन के स्पेशल दिन पे आई हूँ माता रानी से प्रार्थना करने, उनका आशीर्वाद लेने। यहाँ देखिए हनुमान जी, राधा रानी, और आरती वगैरह सब हो चुकी है मंदिर पर, पूजा पाठ हो गई है, और हम हो गए थोड़े से लेट हैं जी। हाँ, ये जो आहिल, ये लो आहिल, आहिल जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है ना आहिल, जो मैं उसके साथ पहले खेलता था, फिर वो जो है ना टुक टुक ने बताया वो मंदिर में आया, फिर वो मुस्लिम था, और फिर ये और फिर इनको जानता नहीं था। फिर बताओ उसने क्या बोला, कौन है ये मोटी सी, ये इन दोनों में से कौन है मोटी सी? हाँ आहिल ने बोला, तो बताया नहीं कौन होती है। तो और उस आज हाँ, और इनसे 100 रुपए ले रहा, 100 रुपए रखे हुए थे, 100 रुपए ले रहा था, और पंडित जी देख देख बनाना में यहाँ पे ना ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पी पूरा, और यहाँ पे का मौसम देखो, वाह क्या मौसम है। तो यहाँ पर कान्हा जी को आज अपने बर्थडे पे पहना रही हूँ मैं ये वाली पोशाक जो मैंने उनके जन्माष्टमी के दिन पहनाई थी, और ये बहुत प्यारी है ड्रेस, देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, बहुत प्यारे लगते हैं इसमें कन्हैया ना, बहुत सुंदर। तो इत्र वगैरह मैंने लगा दिया कान्हा जी के, अब मैं उनको पहना देती हूँ उनकी ज्वेलरी माला उनके हाथों की, और मुकुट लगा के फिर आपको दिखाती। ये रही कान्हा की बांसुरी, ये रहा कन्हैया का प्यारा सा मुकुट, ये बहुत सुंदर मुकुट लगता है मुझे कान्हा जी का, इतने सुंदर लगते हैं ना इसमें कान्हा जी हमारे, ये प्यारी छवि लगती है। आप बताना फ्रेंड्स कैसे लगे कान्हा, और अब लगा देती हूँ ये भी लगा देती हूँ सामने। तो देखिए मैंने कान्हा जी कर दिए हैं रेडी, और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा, बताना आप भी। तो मेरे जन्मदिन पर तो बहुत बड़ा पॉपट हो चुका है, क्योंकि मम्मी ने आईफोन ले लिया, और आपको लग रहा है ये अमीर है, किडनी बेची है, हमारे तो सपने हैं बेटा, हम कहाँ लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं चुप के कर लीजिए आप दर्शन, और यहाँ देखिए ये वगैरह सब भोग लगा दिया है, और आज मेरे कन्हैया देखिए
चॉकलेट, मतलब जन्मदिन हमारा, चॉकलेट खुद लेके बैठी हो, मैं दे के फिर मैं उनसे लूँ। तो सुभाष आप कुछ कहना चाहते हैं मम्मी के जन्मदिन पे? मैं कहना चाहता हूँ कि आशीर्वाद दो और बेटा है कब करो। अच्छा ठीक है बेटा। दिखा दे, मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठे जबे, और देखिए आलू और चने की बना रही हूँ सब्जी, और साथ में बनाऊंगी मैं पूड़ी। तो यहाँ पर रायता भी बनके तैयार हो गया, देखो सब्जी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी रख ली है, जबे रख ली है, रायता और आलू चने की सब्जी। जल ले लिया, कान्हा जी को लगा देती हूँ भोग। मैंने लगा दिया कान्हा जी का भोग, और ये मैंने लगाई है मंदिर के लिए थाली, माता रानी के लिए लग गया है। इसको मैंने आज भी गेम हुई है, साथ में मेला लगा है, तो दिखाते हैं आपको। और अभी चलते हैं, तो फ्रेंड्स अभी बस शिवांश के स्कूल जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे मेला लगा है शिवांश के स्कूल में। शिवांश गाइस ये देखो क्या मिला है, देखो ये रंग कीड़ा, देखो बहुत का इसमें, देखो कितने कांटे हैं, कांटे कांटे इसमें, इसको छूना भी नहीं है। शिवान से कीड़े की वीडियो बना के लेकर आया, कह रहा है सौरभ जोशी ने पीछे बैठ हो गया इसका भाई, वो गाली वाला है। मैं अपनी मम्मी को बताया सबसे ज्यादा तुम्हें, वो जब हम मम्मी को याद है जब हम गए। सो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं शिवान के स्कूल, वहां पे चल रहा है अंदर प्रोग्राम से। मैम से मिल लेते हैं रिजल्ट ले लें, फिर जरा आज के स्कूल से तो रिजल्ट लेके निकलनी है, अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम ना सोना अपनी मार्केट से, मैं जाऊंगी अभी एक सेकेंड, अभी विशाल से। जलेबी खा के जलेबी खा के तो मजा आ गया। जन्म सब पर क्या दिलाते हैं शिवांश, तेरे पापा क्या दिलाएंगे मुझे, देखते हैं कुछ खरीदते हैं अपने लिए। मैं आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट में, यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूटी पाई बच्चों के कपड़े हैं। यहाँ से हमने कपड़े वगैरह ले लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मिलिंग हो रही है फ्रेंड्स, अब हमारी और हम जाएंगे घर। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम चले गए थे घर पे, और क्या मिला मुझे गिफ्ट में जन्मदिन पर, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। और आप सबको जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।